सो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है मैंडरिन। अब यार जब मैंने कल अपना पबजी मोबाइल खोला, मतलब मैं बहुत लेट खोला एकदम रात को, तो देखता हूँ कि यार एक अपडेट आ रखा है। तो मैंने जब अपडेट किया तो अब तब मैंने कल उसको खेला नहीं, और जब आज मैं खेला ना तो लगा मेरे को इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, जितने भी सारे अपडेट्स आए हैं। और इसमें सारे अपडेट्स के बारे में नहीं बताऊँगा मैं, सिर्फ उनके बारे में बताऊँगा जो कुछ इंपॉर्टेंट से थे, सिर्फ उसी के बारे में बताऊँगा मैं। तो बिना टाइम पड़े लेट्स बिगिन। तो अब मैं यहाँ पर शुरू रेजगर मोड से ही करूँगा, क्योंकि एक सही चीज़ है यार, मतलब एक नया मोड जो ऐड हुआ अपने इवो ग्राउंड पे, तो मेरे को लगा ऐसे स्टार्ट करनी चाहिए। और ये रहा उस रेजगर मोड का गेम प्ले, तो अब ये गेम प्ले तो चलेगा ये बैकग्राउंड पे, और मैं बाकी के अपडेट्स भी बता देता हूँ। तो यार अब पहले मैं यहाँ पर रेजगर मोड के बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या आखिर में। तो करने के लिए सपोज आप अपने टीम के साथ किसी एक बंदे के साथ मतलब ऐसा इन्वाइट कर रहे हो उस बंदे को, और उसने इन्वाइट एक्सेप्ट कर लिया, और अगर आप दोनों लॉबी पे खड़े हो हाथ हिला रहे हो तो, और अगर आप फिर जाते हो सीधा रेज गेम मोड स्टार्ट करते हो, तो आप दोनों का टीम अप होगा। आप गाड़ी चलाओगे या फिर आपका टीममेट मतलब गाड़ी चलाएगा। पहले तो रेंडमली सेलेक्ट होता है ऐसा कुछ, मेरे ख्याल से तो रेंडमली होता है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक मेरे कुछ पता नहीं चला। तो अब होता क्या है ना, आपका टीममेट यहाँ पर गाड़ी चलाता है, आपको गोली मारनी रहती है, गाड़ियाँ फोड़नी रहती है, और फिर जब आप मरते हो तो आप गाड़ी चलाते हो और आपका टीममेट फिर गोलियां बरसाता रहता है, मतलब ऐसा स्विच होते जाता है जब भी आप मरते हो। और पता नहीं इसके जो पॉइंट्स रहते हैं वो मेरे ख्याल से तो गाड़ियां फोड़ने से ही मिलती हैं, गाड़ियां वाड़ियाँ फोड़ने से डैमेज देने से मिलता है। और ये जो बीच में जो बॉक्सेस रखे हैं उनका पता नहीं क्या काम है यहाँ पर, तो वो तो फालतू सा लगा मेरे को। यहाँ पर कुछ रहता होगा उसका भी कुछ वैल्यू रहती होगी, कुछ पॉइंट्स मिलते होंगे उसके भी अलग से। तो अब रेजगर तो इतना ही सा था, और एक और आया था यहाँ पर रेजगर TDM करके, तो वो तो भाई और सही था मेरे को, वो सही लगा मेरे को। उसमें कुछ और भी नए गन्स ऐड हुए हैं, जो उससे कि जैसे कि अपन जो सिंपल TDM खेलते थे जिसपे कुछ वही गन्स थी यार, अपनी AKM, बैरल, M4, Uzi ऐसे ऐसी गन्स थी, बट उस पर और भी बहुत बेहतरीन वाली गन्स ऐड की गई हैं, जो कि सही बात है यार, मतलब काफ़ी अच्छी बात है। तो यार अब आते हैं अपने अगले अपडेट पे। तो अब ये जो अपडेट है ये भी बड़ा सही अपडेट है, इसमें साफ साफ लिखा है ये कि आप हिलते हिलते मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए आप अपना हील कर सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो हील रहती है ना, मतलब जब हील करते हो वो बहुत धीरे धीरे होता है, और आपको बहुत ही धीरे धीरे चलना भी रहता है, तो मतलब एक डिसएडवांटेज सा लगा। अब ऐसा नहीं जैसे मैंने सोचा था ना, मतलब कि आप एकदम ऐसा स्प्रिंट मारोगे, मस्त दौड़ोगे और आराम से आपका जो बंदा एकदम बैंडेज लगाएगा और हो जाएगा उसका काम, तो वैसा नहीं होता। जो रहता है आपका जो मतलब कैरेक्टर रहता है वो बहुत स्लो चलता है, और जो हीलिंग जो लेता रहता है मतलब जो अपना यूज़ करते रहता है हील, वो भी काफ़ी स्लो हो जाता है। तो ठीक है यार वैसे। अब ये रहा अपना अगला अपडेट। अब इसमें लिखा है यार साफ साफ फ्रेंडली फायर किल रेस्ट्रिक्शंस। तो अब इसके नाम पे मत जाना बिल्कुल भी, अपने नाम के ठीक उल्टा पे है, मतलब उल्टा नहीं है, ठीक ठीक है। मतलब अब अगर ऐसा, मैं जब इसको पहली बार पढ़ा था ना तो मेरे को लगा था इसमें सीधा सीधा फ्रेंडली फायर ही डाल दिया गया है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, गलत नहीं कर रहा मेरे मुझे। हाँ तो जब मैंने उसको जब पहले पढ़ा था तो मेरे को लग रहा था इसमें पबजी PC वाला फ्रेंडली फायर आ गया, और बड़ी कमाल की बात लगी मेरे को ये। तो अब मेरे को लगा यार हाँ अब कुछ बात लगी एकदम पबजी मोबाइल में, पबजी PC वाली बात आ गई करके। तो जब मतलब असल में क्या है ना ये कि ऐसा कुछ फ्रेंडली फायर होता नहीं है। अब इसमें सीधा सीधा यही लिखा था कि आप अपने टीममेट को रिपोर्ट कर सकते हो कि उसने फ्रेंडली फायर किया, मतलब आपको आपको उसने नेट से उड़ा दिया, तो आप उसके ऊपर रिपोर्ट कर सकते हो, बस यही लिखा है यार, अब उसमें कुछ काम का था नहीं। ओके तो ये रहा अपना अगला अपडेट, और इसमें लिखा है स्पेक्टेटर टायर रेस्ट्रिक्शंस। तो अब इसका मतलब साफ साफ ये है यार कि जो लोअर टायर वाले वो हायर टायर वाले का स्पेक्टेट नहीं कर सकते। मतलब सपोज़ आप हो गोल्ड पे और अगर आपको स्पेक्टेट करना है एकदम ऐसा एस कंकरर वाले पे, अब मैंने देखा नहीं है इसको ट्राई करके, तो मैं उतना एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकता। बस अब जैसा इसमें लिखा था मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो अब जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि आप सपोज़ गोल्ड पे हो और आपको एक्सपेक्टेड करना है एकदम एस कंकरर वाले बंदे पे, तो आप वैसा ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते उसको स्पेक्टेट, सिर्फ थोड़ी देर तक ही कर पाओगे ऐसा उसमें लिखा है। अब क्यों थोड़ी देर तक कर पाओगे वो तो नहीं पता यार, अब एक गलत बात हो गई ना, मतलब एक हाँ गलत बात हो गई। तो अब ज़्यादा देर तक आप स्पेक्टेट नहीं कर सकते हायर टायर वाले बंदे को, अगर आपकी लोअर टायर है तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब
इसमें जो है मतलब अब ऐसा हुआ समझ यार कि आप हाई टायर और लोअर टायर वाले को स्पेक्टेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बस लोअर टायर वाले हाई टायर वाले को स्पेक्टेट नहीं कर सकते, सीधा सीधा यही लिखा था। और ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, मतलब थोड़ी देर तक चलेगा फिर नहीं कर सकते उन लोग स्पेक्टेट। तो अब ये रहा अपना अगला अपडेट, इसमें लिखा है साफ साफ TPP अपडेट। हाँ यार दिख ही रहा होगा। तो अब इसका मतलब ये है कि आपको एक ऑप्शन देगा स्विच करने का TPP to FPP और FPP to TPP। तो अब होता क्या है ना कि हम लोग जब मैच खेलते हैं तो उसमें हमको चूज़ करना रहता है कि भाई तुमको TPP खेलना है या FPP खेलना है। हम मैच के बीच पे चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो अब वो चीज़ हटा दी गई है वो। हाँ हटा दी गई। अब आपको क्या मिलेगा, साइड पे एक बटन मिलेगा स्विच करने का, जिससे आप कभी भी FPP पे चेंज कर सकते हो, और अगर आप TPP खेलना चाहते हो तो TPP पे चेंज कर सकते हो मैच के बीच में कभी भी। तो अब इसका मतलब तो ये रह गया यार कि जो बाहर जो ऑप्शंस देते हैं TPP या FPP चूज़ करने का, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता अब। तो वैसे एक बेकार सी बात लगी मेरे को यार कि क्या चेंज करोगे तुम FPP से TPP, कुछ खेलने का मतलब ही नहीं रह जाएगा जब तुम्हारा मतलब कुछ। अगर सपोज आपको यार TPP खेलने और बीच पे FPP चेंज करे तो मज़ा ही नहीं रहेगा फिर TPP वाला। तो अब लगता है यार कहीं ना कहीं गलत बात। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा अपना अगला अपडेट, और इसमें ये लिखा है कि साफ साफ जो स्लाइड सेटिंग है उसके लिए एक आपको सेपरेट, सॉरी स्लाइड वाला जो फंक्शन रहता है उसके लिए आपको एक सेपरेट बटन देगा। आप स्लाइड फंक्शन मतलब ये कि जो एक रहता है स्टेडियम पे, जैसे आप स्लाइड करते हो क्राउच बटन को ज़्यादा देर तक दबा के और स्प्रिंट को दबा के, तो अब जैसे वो स्लाइड जो रहता है उसके लिए आपको क्राउच बटन को दबाना पड़ता था, बट अब उसके लिए एक सेपरेट बटन देगा जिसको आप दबा कर स्लाइड कर सकते हो। और ये चीज़ क्लासिक में भी रहेगा, मतलब आप क्लासिक पे भी आप स्लाइड कर सकते हो, तो अच्छी बात है यार ये भी। अब तो यार बस यही सब थे वो अपडेट जिसको मेरे को लगा कि बता देना चाहिए, और मैंने बता दिया। और भी कुछ अच्छे अच्छे अपडेट्स आए थे, जैसे कि स्नो इन इरेंगा मैप ऐसा करके कुछ था, और जैसे कि तुमको 3 दिन के लिए एक ड्रेस मिल रही है अपडेट करने के लिए, ऐसे ऐसे कुछ और भी अपडेट्स थे जिसको मैंने नहीं बताया। बस मैंने यहाँ पर वही अपडेट्स बताए जो कुछ इंपॉर्टेंट से थे। तो बस यार आज के लिए इतने।